नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की नई लिस्ट के बारे में बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में अगर आपने पिछली लिस्ट में अपना नाम देखा है और आपको निराशा हाथ लगी है तो मैं आपको इसमें एक नई लिस्ट के बारे में बताऊंगा। नई लिस्ट जो है वो अपडेट कर दी गई है पुरानी लिस्ट के साथ ही, तो आप इसमें भी अपना नाम चेक कर सकते हैं और इस योजना का जो लाभ है वो 2011 की जनगणना के हिसाब से आपको दिया जा रहा है। अगर 2011 की लिस्ट में आपका नाम तो ही आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी ये लिस्ट बताऊंगा 2011 की जनगणना की लिस्ट के आधार पे जो लिस्ट है उसकी, और अगर इस लिस्ट में आपका नाम है तो आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस कनेक्शन मिल जाएगा। तो कैसे आप इस लिस्ट को देख सकते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। देखिए, आपको गूगल ब्राउज़र अपना ओपन कर लेना है। जब आप अपना गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर आपको टाइप करना है IPPE2। देखिए IPPE2 इतना ही आप टाइप कर देंगे तो भी चल जाएगा। मैं देखिए आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, ये आपको टाइप करना है IPPE2 और ये लिख आपको सर्च कर देना है। जैसे आप इसको लिख के सर्च करेंगे तो देखिए अब इस तरह की एक लिस्ट खुलेगी। इसमें आप थोड़ा नीचे जाइए तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा IPPE2 SECC लिस्ट। तो इस लिस्ट पर आपको क्लिक करना है। आप ध्यान से देख लीजिए, इस लिस्ट पर आपको क्लिक करना है इस लिंक के ऊपर। जैसे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए अब यहाँ पर एक इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। देखिए, अगर मान लीजिए कि गूगल से आप इसको, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर इस तरह से ये पेज नहीं आता तो मैं डिस्क्रिप्शन पे भी मैंने एक आपको लिंक दिया है, आप उस पर भी डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जब ये पेज आपका आ जाएगा तो यहाँ पर आपको अपना नाम कैसे सेलेक्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है, पहले नंबर यहाँ पर स्टेट, तो यहाँ पर आपको अपना स्टेट, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद देखिए आपको दिखेगा डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद तहसील और उसके बाद आपकी ग्राम पंचायत। ठीक है, और ये नीचे आपको दो तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, तो देखिए ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये ऑटो इंक्लूजन है और दूसरा ऑप्शन ये ऑटो एक्सक्लूजन है। तो आप इन दोनों पे क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं। अगर दोनों में से किसी पे भी आपका नाम अगर है तो आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का पूरा लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं कि किस तरह से हमें सर्च करना है, तो देखिए वो मैं आपको यहाँ पर सर्च करके दिखाता हूँ। तो मान लीजिए देखिए मैंने यहाँ पर स्टेट अब मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर कोई भी किसी स्टेट आपको सेलेक्ट करके यहाँ पर दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि किस तरह से आपको सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर दिया है और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का, तो डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट में मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है बुलंदशहर। ठीक है, आप जिस भी स्टेट या जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जिस भी जगह पर आप रहते हैं, आपको वो ही यहाँ पर डालना है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद यहाँ पर अब तहसील का ऑप्शन है, तो तहसील में अब मान लीजिए हमें सेलेक्ट करना है तो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर दिया है। और उसके बाद अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है ग्राम पंचायत का, तो अब यहाँ पर हमें ग्राम पंचायत अपना सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपकी ग्राम पंचायत आती होगी इस पर आप क्लिक कीजिए और इस पर आप क्लिक करके जो भी आपकी ग्राम पंचायत है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अब मैं आपको दिखाने के लिए मैं कुछ भी इसमें सेलेक्ट करके एक बता रहा हूँ आइडिया के लिए। और जैसे ही आप इस पर सेलेक्ट कर लेंगे तो देखिए आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा, ये सबमिट के बटन का यहाँ पर एक आपको ये देखिए एक ऑप्शन दिखेगा सबमिट का। देखिए अब यहाँ पर आपको इस सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। देखिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए क्लिक करते ही यहाँ पर जो पूरी जनगणना की, जो 2011 जनगणना की जो लिस्ट थी वो यहाँ पर मेरे सामने आ गई है, जो भी मैंने जगह सर्च करी थी उस जगह की। तो दोस्तों ये BPL की भी लिस्ट है, क्योंकि BPL की लिस्ट भी 2011 की जनगणना के आधार पर ही बनाई गई है और इसमें जो भी अपडेट करना था सरकार ने अभी नई अपडेट इसमें कर दिया है। तो अगर आप अपना नाम ढूंढ रहे हैं तो आप इसमें एक बार ज़रूर अपना नाम देख लीजिए, और अगर आपका नाम इस लिस्ट के अंदर है तो आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ मिलेगा और आपको फ्री गैस कनेक्शन मिलेगा। तो आप ठीक तरीके से जैसे मैंने आपको अभी बताया इस तरह से आप अपना नाम इसके अंदर सर्च कर सकते हैं। आप गूगल से भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी एक मैंने लिंक दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके भी यहाँ पर अपना नाम सर्च कर सकते हैं। और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आप इस लिस्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं, नहीं तो आप लिस्ट को यहाँ पर प्रिंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक इन्फॉर्मेशन कि आप कैसे अपना नाम इस लिस्ट में देख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों अपने परिवार के साथ भी इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए या आपकी स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान पर टच करके और उसके बाद घंटे के निशान पर जरूर टच कीजिए दोस्तों, ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो लगातार मिलती रहें।
ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।